हेलो फ्रेंड्स, रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं सारा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई, तो मैं आ गई हूँ मैकडॉनल्ड। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पर आजकल स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, मैंने तो उसको बोल दिया कि मेरे बस का नहीं है, इतना टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ऑर्डर कर दो। तो मैं ऑर्डर तो दे चुकी हूँ, अब मैं वेट कर रही हूँ ऑर्डर लेने का। यहाँ पे 3 खुले हुए हैं इकट्ठे तिलक नगर में, डोमिनोज भी है, बर्गर किंग भी है। रश बहुत लगा रहता है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा ना प्रॉब्लम यह है कि शुगर थोड़ी हाई आने से ना टेस्ट खराब हो गया है, तो मैं थोड़ा वो ले रही हूँ, मीन्स टेस्ट चेंज करने के लिए मैं लेट खाने आई हूँ। मैं कुछ भी खाती हूँ, एक तो मीठा खा नहीं पा रही कुछ भी, वो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, टेस्टफुल ही नहीं लग रहा। और अब मैं वो करेले का जूस वगैरह तो पी रही हूँ। अब त्रिफला लेना था मुझे, त्रिफला रामदेव के जो बोलते हैं ना आउटलेट्स, वहाँ मिलता है वो, उससे कहते कंट्रोल हो जाता है त्रिफला पाउडर। और मेथी दाना का पानी भी पी रही हूँ, मतलब मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, तो मुझे अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए अभी से सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और वैसे तो बर्गर भी नहीं खाना चाहिए, बट क्या अब मेरा इतना टेस्ट ख़राब हो रहा है कि खाना खाने को मन नहीं, रोटी रोटी खा के भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं आई थी। ले के जाते हैं घर पे। अब कल इलेक्शन का रिजल्ट है। कल एक्चुअली मैं इसलिए चाहती हूँ कि पार्टी चेंज हो, क्योंकि ना आपको पता ही है बहुत सारे रीजन हैं बीजेपी ने, बीजेपी का कई लोग तो बोलते हैं जी बहुत अच्छी है बहुत, बट मेरे को तो डे वन से कुछ नज़र नहीं आता बीजेपी के अंदर। मोदी को मैं लाइक नहीं करती, बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मतलब वो फर्जी भाषण लगते हैं एक्चुअली, क्या करोगे आप, फर्जी भाषण लगते ही हैं, पता चलता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो वैसे भी ना हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है सफाई के मामले में। 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो सफाई, सेकेंडली ग्रीनरी। जिस कंट्री में आपको सफाई नज़र आए ना, तो समझ लेना कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो अब बाहर के देशों में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट पहना, ठीक है, कुछ भी ले लो, कपड़े जूते, और पहनने के बाद में आपको पसंद नहीं आया तो भी आपको पैसे वापस मिलते हैं, या तो न्यू के भी पैसे वापस नहीं मिलते। तो वहाँ का सिस्टम देखो ना कितना डिफरेंट है उसको, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक तो उन्होंने, उनके सुबह 4 बजे क्लीनिंग शुरू हो जाती है, और यहाँ पे कैसे क्लीनिंग होती है, सड़क अच्छी बनाओगे तभी तो क्लीनिंग करोगे ना, सड़क ही अच्छी नहीं होगी तो क्लीनिंग कैसे, झाड़ू पोछे कैसे लगेंगे, झाड़ू तो लग जाएगा। यहाँ पर मलबा मलबा पड़ा रहता है देखो रोड के किनारे पे, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, क्या मेंटेनेंस है। बहुत कुछ देखो, मैं ये नहीं कहती कि केजरीवाल सबसे अच्छा है, उसको ना काम करने नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केसेस में उलझा रहता है वो, और नहीं तो वो अभी ये दिल्ली की सफाई ढंग से हुई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, होनी चाहिए थी, लेकिन मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है यहाँ की, और बहुत चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट इनको काम करने नहीं देती है। मेन प्रॉब्लम ये है, इसने कॉलेज के लिए ज़मीन मांगी थी केजरीवाल ने, वो नहीं दी इसको, हर चीज़ के लिए ये कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में केस लड़ता रहेगा कि काम करेगा, आप ये बताओ। उसके तो मैंने एक एक लेक्चर सुना है, काम तो वो कोशिश करता करने की बट वो करने ही नहीं देते, उनके वो बंद करवा दिए थे इन्होंने, ये जो है आपके ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिए, जो भी चीज़ करने लगते हैं करने ही नहीं देते इनको, डिक्टेटर की तरह मोदी वर्क कर रहा है। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे एक कंट्री में, आप पहली बात तो अनपढ़ प्रधानमंत्री तो क्या काम करेगा, पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो क्या काम करेगा। तो
कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो वो देश का प्रधानमंत्री अच्छा लगता है। कुछ आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ना कि ये फालतू की बातें लेके उलझाए रखो जनता को। वो भी लोग भी अंधभक्त बन के उनके पीछे पीछे लाइन में लग के अच्छा नहीं लगता ना। पुरानी बातें हो गई है, नया कुछ न्यू होना चाहिए, कुछ तरक्की होनी चाहिए देश की। किसी को मौका दोगे तो करेगा ना, तुम नहीं कर पा रहे तो किसी और को। सड़कें बनने से क्या होता है, सड़कें तो सब ने बनाई हैं, कांग्रेस ने भी बनाई हैं। सड़कें बनने से कुछ नहीं होता, सड़कें तो एक बहुत पुरानी राजनीति है बनाना। ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया। मेन देखो मेट्रो है मेन, जो कांग्रेस ने बनवाई थी, आज उसकी हालत देखो क्या कर रखी है। बीजेपी ने उसको मेंटेन ही नहीं किया। तो बाकी मैं तो यही चाहती हूँ कि देश की तरक्की हो। तो अब दिमाग लगाओ अपना, खुद सोचो कि कौन कर सकता है। ऐसे तो नहीं होता, लड़ाइयाँ करने से तो कुछ नहीं होता, झगड़े करने से कुछ नहीं होता कभी भी। और जो बोलते हैं ना मेनली, मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग बोलते हैं ना हम तो पुराने बीजेपी के हैं, हम तो पुराने कांग्रेसी हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो तुम्हें उन्होंने पैदा किया है क्या? ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, ये अनपढ़ता की निशानी है, ये रॉन्ग है बिल्कुल। टाइम के साथ चेंज होना चाहिए हमेशा। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि कोई अच्छी गवर्नमेंट बने। मैं बोर हो गई हूँ मोदी को देख देख के, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे। अब वो भाषण देता है, कोई तुक नहीं होती उसकी भाषण की। तो बेस्ट ऑफ लक दे रही हूँ मैं, अच्छी सरकार आए, गवर्नमेंट अच्छी आए, कुछ चेंजेस हों, कुछ तरक्की हमारे देश की। तो गुड लक, होपफुली अच्छा ही होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चाहे कोई मोदी के भक्त हैं चाहे नहीं है, मेरे चैनल को, क्योंकि मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो आप कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर दो।